the doors! Aye, sir! Out the doors! Aye, sir! Out the goddamn doors! Aye, sir! चलिए आज आपको मैं अपने एक उसी स्टूडेंट से मिलवाता हूँ जिसने रिटर्न टेस्ट के पहले आपसे मिलवाया था मैंने, फिर उसके बाद जब एनडीए रिटर्न एग्जाम क्लियर हुआ जब मिलवाया, और अब फाइनली एसएसबी सिलेक्ट हो गया। राज के बारे में मैं काफी कुछ बताऊंगा आपको, क्योंकि इसने 11th 12th में पढ़ाई कैसे की, एनडीए का कब सोचा और किस तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएसबी क्लियर की। क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि एसएसबी में कई बार हम फर्स्ट या सेकंड चांस रुक जाते हैं, पर क्या ऐसा रीजन होता है जिस वजह से हमारा फर्स्ट या सेकंड टाइम में अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाता। क्योंकि देखिए एसएसबी जब क्लियर करने की बात आती है तो एसएसबी में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको बहुत नेचुरल और बहुत ही ऑनेस्ट होने की जरूरत होती है। इससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए इसने सब ऑनेस्टली बताए। सबसे पहले मैं जैसे बताना चाहूंगा कि इसके 12th में 49% थे केवल, और इस पे भी क्वेश्चनिंग हुई तो भी इसने वही बताया जो एक्चुअल में रियल फैक्ट था। और दूसरा जो आपके अंदर है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एसएसबी में वही बच्चा सिलेक्ट हो सकता है जिसके अंदर हाईली डिसिप्लिन, मोटिवेटेड और ऑनेस्ट हो, और वो सारी क्वालिटी थी इसमें। 12th में जब था ये राज, जब इसने फर्स्ट टाइम एनडीए दिया था, जब केवल जनरल की चलो देके देखते हैं, फिर जब 12th का फाइनल ईयर का एग्जाम था उसी के समय ये सोचा कि एनडीए भी देते हैं, आईआईटी भी देते हैं, गुजरात बोर्ड का भी, गुजरात इंजीनियरिंग का एग्जाम भी दिया। राज जो है वो गुजरात बड़ौदा से है तो कुछ फोकस नहीं था, फिर उसके बाद लगा कि नहीं ऐसे 2-3 एग्जाम को फोकस करके कुछ नहीं हो सकता। देन उसके बाद प्लान किया कि नहीं अब सीरियसली एनडीए का अटेम्प्ट देना है। भोपाल आया वीडियो देख के और केवल 2.5 महीने की प्रिपरेशन से रिटर्न निकाला, उसके बाद नागपुर में एसएसबी की ट्रेनिंग ली और एसएसबी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। यानी आप सब लोग ये कर सकते हो, वह शर्त है कि क्या करना है और कैसे आपको अपने आप को तैयार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राज की मदर भी साथ में है, मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि पहले अटेम्प्ट में, क्योंकि सीरियस भी ये फर्स्ट टाइम एनडीए में, जैसे आपने बताया कि 12 के बाद ही हुआ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एक तरह से एनडीए क्लियर किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएसबी क्लियर किया। तो मैं पहले तो चाहूंगा फाल्के सर आप इसको बुके दें। मैं चाहूंगा राज कुछ बोले, उसके पहले राज की मदर राज के बारे में बताएं, क्योंकि आप में से कई लोग जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो माँ बाप का क्या सपोर्ट होता है ये कई बार हमें समझ में नहीं आता, पर एक्चुअल में माँ बाप का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, इनडायरेक्ट सपोर्ट होता है, और वो सपोर्ट ही आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता है। तो आप राज, हम लोग गुजराती है तो वहाँ से कोई एनडीए ऐसे सोच भी नहीं पाते, लेकिन राज ने नेट से सब सर्च किया और अपनी मेहनत से सब उसने अचीव किया है। कहाँ से जाए, एनडीए कैसे देना है, रिटर्न कैसे करनी है, एसएसबी कैसे करनी है, वो सब उसने नेट में से देख के किया। तो यहाँ भोपाल उसने नेट से सर्च किया और भोपाल आया, वो उसको बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ आके उसने प्रिपेयर किया रिटर्न के लिए। सरद सर का और सब यहाँ के सब सर का बहुत सपोर्ट था और उसने अच्छी तरह से रिटर्न की 2.5 महीने में अच्छी तैयारी करके उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दिया। और फिर एसएसबी के लिए वो नागपुर गया था, वहाँ पर भी उसने अपने आप ही प्रिपेयर किया अपने को वहाँ सर की हेल्प से, और उसकी सब हेल्प वो थी उसका, तो उसने सब अचीव किया। ओके थैंक यू। अब मैं चाहूँगा राज आप अपने बारे में बताएं, क्योंकि देखिए एसएसबी क्लियर भी जब होगा जब बच्चे रिटर्न निकालेंगे। मोस्टली बच्चे रिटर्न में क्या क्या गड़बड़ करते हैं, तुमने 2.5 महीने पढ़ाई की पहले जब सीरियस नहीं थे, और जब सीरियस हुए तो क्या चेंज लाया जिससे कि रिटर्न फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल पाया, वो बहुत जरूरी है बच्चों को जानना। और जैसा हम बोलते हैं हमेशा अपने आप को, क्योंकि आप फुटबॉल प्लेयर भी रहे, इसका भी कहीं ना कहीं फायदा मिला, तो हर एक, क्योंकि जो डिफेंस में जाना चाहता है उसका फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सारी चीजें आप बच्चे। सर ने बोला मैं गुजरात से हूँ और मुझे मेरे स्टडीज़ बहुत वीक थी, और मैंने जो दो अटेम्प्ट में मैंने मिस्टेक की थी रिटर्न में, वो थी कि मैं जो नॉर्मल स्कूल के अप्रोच से हम क्वेश्चन सॉल्व करते वैसे करता था, कि बहुत लॉन्ग मेथड यूज़ करके, और तो उससे मैं मैथ्स में बहुत कम अटेम्प्ट कर पाता था, तो उसके वजह से मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता था। पर बाद में जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब एनडीए में ही जाना है, तो मैंने यहाँ भोपाल कोचिंग में आया और सर ने जो मेथड बताई हमको, शॉर्ट ट्रिक्स जिससे हम क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते थे और जिससे हम ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते थे,
तो मैं वो मेथड यूज़ करके मेरा कट ऑफ क्लियर हुआ और मैंने वो क्वेश्चन तो बिल्कुल छोड़ ही दिए जिस जो मैं नहीं कर पाता था, और मैंने वो भी टॉपिक्स छोड़ दिए थे जिसमें मैं वीक था। मैं मेरी स्ट्रेंथ पे ही फोकस कर रहा था और मैंने मेरे मेंस जो स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट है उसको ऐसे प्रिपेयर किए थे कि मैं सब आंसर उसके दे पाऊँ बहुत फास्ट, और जो वीक टॉपिक्स थे उसको बस मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा, जिस जैसे कोई इजी क्वेश्चन आ जाए तो उसको मैं अटेम्प्ट कर लूँ तो मेरे उसमें भी मार्क्स बढ़ जाए। अभी राज ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जो इसके स्ट्रॉन्ग टॉपिक थे इसने उसी पे फोकस किया। मैं आप सबको भी यही बोलता हूँ, इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि 100% करो, इम्पॉर्टेंट ये है जो करो वो 100% करो और जो नहीं आता उसको छोड़ दो, क्योंकि आपको ही पता है कि मैथ्स में जैसे 120 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 50 प्लस भी करते हो तो आप सिलेक्ट होते हो, पर 50 प्लस राइट करना है, 80-90 करके 50 गलत करती है उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखना चाहिए। तो रिटर्न टेस्ट के बारे में हमने पहले भी बात करी थी, अभी मैं चाहूंगा कि इन बच्चों को अपने 5 डेज का SSB का जो एक्सपीरियंस है वो बताओ, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या इंटरव्यू में आपसे पूछा गया, किस ढंग से आपने 5 दिन निकाले, किस बच्चे में क्या क्या क्वालिटी उन्होंने चेक करी, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट हुए तो बहुत सारे रिजेक्ट भी हुए, तो रिजेक्ट करने के क्या क्या रीजन होते हैं और सिलेक्ट करने के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि जो सिलेक्ट करने वाले फैक्टर हैं वो आप सबको डेवलप करना है अपने अंदर, वो अगर डेवलप कर लिए तो ये आप सब भी सिलेक्ट हो गए, कोई रीजन नहीं कि ना हो पाओ। SSB इंटरव्यू में जो एसेसर्स होते हैं वो आपको असेस करते हैं OLQs के बेसिस पे, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, तो वो क्वालिटीज आप में वो लोग देखते हैं कि आप में है कि नहीं है, तो वही आपको डेवलप करनी है। अगर वो आप में डेवलप हो जाए तो फिर आपका रिकमेंडेशन कोई रोक नहीं सकता। I want to ask you a question, that what were the questions assessor asked from you, like in your personal interview and other questions were our group discussion, and what were qualities? I want to ask that, what were questions? In my interview, the interviewing officer asks basically the basic questions such as about my friends, my family, my background, my hobbies, my interest, and about current affairs, and he basically put more pressure on why my 12th marks are very low, but I was able to convince him with my answers, and my GD topic was related to economics, about GST and demonetization. जैसे मुझे अभी पता चला है कि सर ने भी SSB की कोचिंग भोपाल में चालू की है, तो मैं सबको के आप रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के बाद यहाँ पे आप SSB की भी कोचिंग लो, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है जिससे आपका रिकमेंडेशन हो। सर आज ने बताया, आप सबको बताना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम तो हमने जब बच्चों ने फ़ोन किया था तो बैच स्टार्ट किया था, और जब ये 12 में से 6 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, SSB के लिए प्लान नहीं किया, पर अब समझ में आता है कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स होती हैं, तो ये अच्छी बात है, और आने वाले समय में अब हम लोग भी SSB की प्रिपरेशन यहीं पे करेंगे, क्योंकि आपको फिजिकली मेंटली हर तरह से फिट होना, रिटर्न तो निकालना ही, साथ में SSB भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें डेवलप करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी अभी आपसे डिस्कस करेंगे हम, तो जो जो आपके मन में डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इंट्रोडक्शन कैसे दिया था, अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया? मैं मेरा इंट्रोडक्शन नहीं पूछा था, हमको इंटरव्यू के पहले ही एक फॉर्म फिलअप करवाते हैं, PIQ फॉर्म, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर, तो उससे उनको पता चल जाता है हमारा बैकग्राउंड क्या है, तो वो स्टार्टिंग बस हमको कंफर्टेबल फील करवाने के लिए करते हैं कि हम कहाँ से हैं, कि अभी क्या कर रहे हो, और बाद में क्वेश्चंस रैपिड फायर क्वेश्चंस चालू कर देते हैं। राज, यू हैव लो परसेंटेज इन क्लास 12, एज यू नो दैट नाउ इट इज इन आवर सोसाइटी स्टूडेंट्स इज नोन बाय द परसेंटेज, इफ यू हैव अ हाई परसेंटेज एंड पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स थिंक दैट इफ अ स्टूडेंट हैज अ हाई परसेंटेज ही इज गुड एंड अ स्टूडेंट हैज अ लो परसेंटेज ही इज नॉट गुड, सो I think I have also a low percentage. I have 60% in class 12. So how you control yourself and how you convince? जैसे मुझे पता था मेरे परसेंटेज लो है, पर मुझे वो भी पता था कि आर्म फोर्सेस में परसेंटेज का
इतना मायने नहीं रखता, वो सिर्फ आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देखते हैं, उसमें परसेंटेज का कोई जिक्र नहीं है। आपको बस अपने अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देखते हैं वो, और अगर वो आप में है तो वो आपको रिकमेंड करते हैं। और जैसे वो सोशल प्रेशर की बात है, मैं जैसे ही मेरा ट्वेल्थ क्लियर हुआ वैसे मैं भोपाल आ गया, और मैं मेरे सब सोशल कनेक्शंस मैंने बंद कर दिए थे, और मैं सिर्फ मेरे पेरेंट्स और मेरे क्लोज फ्रेंड्स से ही बात करता था, तो वैसा कोई प्रेशर मुझे फील नहीं हुआ। इस क्वेश्चन पे मैं एक और जवाब देना चाहूँगा कि जो आपने पूछा कि परसेंट कम है, क्या होता है कि जब परसेंट कम होते हैं तो सब ये बोलते हैं, या हमें ही कई बार लगने लगता है कि हमारा शायद हम इतने कम परसेंट वाले हम कर पाएंगे कि नहीं। नंबर वन, इसके परसेंट क्यों कम थे वो इसे पता था, क्योंकि ये फुटबॉल प्लेयर था, स्टेट लेवल पे खेलता था, पेपर के दो दिन पहले भी खेल के आया हुआ था, एक रीजन। दूसरा, आप में से किसी के परसेंट कम है या ज्यादा है, सक्सेस के लिए परसेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, एटीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है। और इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप एनडीए की बात करते हैं तो जो इसने बोला ऑफिसर क्वालिटी, आप में क्या क्या क्वालिटी है, इसने ऑनेस्टली बता दिया कि सर मैं फुटबॉल प्लेयर था और इस वजह से मैं अपना स्कोर नहीं बना पाया, जो ऑनेस्ट जो रियल फैक्ट था वो बताया। मैंने आपको बोला ना कि आप ईमानदार होने की जरूरत है, अगर आपके परसेंट कम है तो आपको पता होना चाहिए कि कम क्यों है, और फिर उसके बाद उसके लिए आगे क्या करना है। आपके परसेंट कम है और आपने मान लिया कि मैं कमजोर हूं तो आप और कमजोर होते जाओगे। आपके परसेंट कम है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कम मेहनत की। अगर आप 60 नंबर का पेपर करके आओगे तो 80 नंबर की उम्मीद नहीं कर सकते, तो 60 नंबर ही आएंगे, और जब आप 100 नंबर का करके आओगे तो 100 नंबर की उम्मीद कर सकते हो। तो परसेंटेज कभी भी याद रखिएगा, किसी भी जगह पे अप मतलब अप या डाउन के लिए नहीं होते, वो होते हैं आपके लिए। तो सोशल प्रेशर मतलब लोग कह रहे हैं, तो आप लोग कह रहे हैं तो आप उनकी बातें सुनोगे तो आप तो जीवन भर सफल नहीं हो सकते। लोग तो ये भी बोलेंगे कि एनडीए में भाई केवल 400 बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं 2.5 लाख में से, तो तुम तो 400 में कैसे आओगे, तो फिर आप मत दो एग्जाम। पर मैं बोलता हूँ 400 नहीं होते, एनडीए में एक बच्चा सिलेक्ट होता है और वो आप हो सकते हो। वो 399 की भी चिंता आपको नहीं करनी, आपको अपने आप को तैयार करना है इतना कि आप एक अकेले हो तो भी सिलेक्ट हो, और आप दो लोग हो, मतलब आपकी मेहनत ऐसी होना चाहिए कि आपको कहीं पीछे ना करे। तो परसेंटेज मैटर नहीं करता, और यहाँ पर मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जिनके कम परसेंट थे वो भी बहुत सक्सेस हुए, और अच्छे अच्छे परसेंट वाले भी कई बार पीछे रह जाते हैं। तो सारा खेल है इस बात का कि एटीट्यूड कैसा है। तो वो बिल्कुल उसने जो बताया कि परसेंटेज को ना ध्यान देते हुए परसेंट कम होगा, एक्सेप्ट किया, अब आगे क्या करना है, वो एक एक्शन लिया। अगर ये एक्शन लेता तो मुश्किल हो जाती है, परसेंट मेरे कम है 48 है, अब मैं क्या करूंगा। बहुत कॉमन प्रॉब्लम मुझसे बहुत बच्चे, जब से मैं ये सेशन लेता हूं वीडियो सेशन, बहुत बच्चे सर हमारे 65% है, हमारा हुआ कि नहीं, तो आपका सोचने का तरीका ही गलत होगा। सबसे पहले एक्सेप्ट करो क्यों कम हुए, अब क्या करना है वो सोचना पड़ेगा, आगे कैसे पढ़ना है वो सोचना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन राज। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपका रिजल्ट आया एनडीए का, हाउ डू यू प्रिपेयर मेंटली, मेंटली आपने क्या आपका क्या रूटीन रहा, आपने मेंटली एसएसबी के नजरिए से क्या तैयारी करी। से मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था तो मुझे पता थी कि मेरी वीकनेस क्या है, और मैंने तब से ही स्टार्ट कर दिया था मेरी वीकनेस पे ओवरकम करने का। मैं हर रोज सुबह फिटनेस करने जाता था, 5 to 6 किलोमीटर मिनिमम भाग के फिटनेस पुलअप्स पुशअप्स वो करता था, क्योंकि मुझे पता है कि एकेडमी में मुझे वो काम आएगी, और मेरी नॉलेज भी बहुत कम थी तो उसके लिए मैं बुक्स भी पढ़ता था, और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी कम थी तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस करता था। मेरे फ्रेंड्स है उनसे मैं इंग्लिश में बात करता था, तो ऐसे ही मैंने एसएसबी के लिए प्रिपेयर किया। कॉन्ग्रेचुलेशन राज। जैसे कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स आपको कुछ भी कैसे भी ऑकवर्ड क्वेश्चन या कोई भी अजीब तरीके का क्वेश्चन या कुछ भी हो, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन रहता था। मुझे कोई ऑकवर्ड क्वेश्चंस पूछे नहीं गए, पर मैंने मैक्सिमम टाइम इंटरव्यू के वक्त स्माइल से ही सब आंसर दिए, और मैं एकदम काम रहता था, और उनकी बातें ध्यान से सुन के उनका क्वेश्चन समझ के बाद में आंसर देता था। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन राज। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो पहला दिन होता है अपना, उसमें जो स्क्रीनिंग होती है उसमें मतलब जो पिक्चर दिखाई जाती है उसको अपने अपने स्टोरी कैसे लिखी थी, क्या लिखा था और पिक्चर कौन सी थी, ये बताओ।
पीपीडीटी की इमेज वैसे हमेशा ब्लरी होती है, मेरी भी ब्लरी थी, और उसमें इमेज थी कि एक टावर जैसा है और उसमें से स्मोक निकल रहा है और दो लोग उसके आजू बाजू खड़े हैं। तो मैंने स्टोरी एयर पॉल्यूशन पे बनाई और उसमें ग्रुप डिस्कशन में भी मैंने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, मैंने दो तीन पॉइंट रखे और दूसरों को भी बोलने दिया। मेरा ये पॉइंट है, जैसे अपन वहाँ 5 दिन रहते, वो OLQ और PPDT के अलावा जो हम हर पर्टिकुलर कैंडिडेट में ऑब्जर्व करते, वो क्या ऑब्जर्व करते? जैसे 5 दिन अपन रहते, फर्स्ट डे तो अपन वो PPDT करते और प्रीक्षा प्रशिक्षण, उससे अपनी OLQ तो बाहर आ जाती, लेकिन वो जो 4 दिन रहते ग्रुप डिस्कशन वगैरह, उसमें वो क्या ऑब्जर्व करते? ये अपना चले, जैसे उनके जो पर्टिकुलर ग्रुप डिस्कशन और टास्क हो गया, उसके अलावा क्या, जैसे अपन खाली बैठे हैं, डिनर कर रहे हैं, सो रहे हैं और कैंपस में हैं, उसमें वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, आपने क्या? तो आपका टेस्टिंग होता है वो बस टेस्ट के टाइम पे ही होता है। मैंने आजू बाजू देखा था जब मैं कैंपस में था, वैसा कोई ऑब्जर्व तो नहीं कर रहा था, पर फिर भी जितना हो सके कैंपस में जब आप SSB दे रहे हो, SSB में हो और कोई टेस्ट ना हो, पर तब भी आप एकदम डिसिप्लिन रहो, वही अच्छा है, क्योंकि आपको वैसे भी ऑफिसर बनना है तो ऑफिसर जैसे बिहेव भी करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा ना, मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं, जो आपको मैं बोलता हूँ हमेशा, कि 5 दिन में वो आपकी हर एक्टिविटी को वॉच कर रहे हैं, ये बिल्कुल सच है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप आर्टिफिशियल बन के नहीं रह सकते। आप अगर सोचोगे कि मैं 5 दिन आर्टिफिशियल बन के बहुत अच्छे से रहूं, डिसिप्लिन रहूं, वेल ड्रेस रहूं, आप पकड़ में आ जाओगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम रफ कॉपी पे जब गंदा लिखते हैं, मैं हमेशा आपको बोलता हूं मत लिखो गंदा, नहीं सर फेयर में अच्छा लिखेंगे, पर फेयर कॉपी का भी 3rd पेज वही होता है जो रफ कॉपी का होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमें रफ कॉपी में भी इतना अच्छा काम करना चाहिए जो फेयर से अच्छा हो। यानी आपको हर दिन अभी से, ये जैसे मैंने बोला ना, SSB की प्रिपरेशन एक्चुअल में उस दिन से चालू हो जाना चाहिए जिस दिन आप सोचते हो डिफेंस में जाना। उसके लिए कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं करो वो अलग बात है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटली अपने आप को तैयार करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपके अंदर वो डिसिप्लिन होना चाहिए। वो 5 दिन में कई लोग ये कोशिश करते हैं आर्टिफिशियल हो जाए, ये क्योंकि फुटबॉल प्लेयर था तो आदत थी दौड़ने की। जब भोपाल में क्लास ज्वाइन करी तो भी ये 5-6 किलोमीटर दौड़ता था, पुशअप सिटअप ये आदत है। मैं आप सबको बोलता हूँ कि आपकी लाइफ स्टाइल होना चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए कि घर से निकलो तो वेल ड्रेस निकलो, किसी से बात करो तो बिल्कुल प्रॉपर बात करो, आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम दिखती है तो आप उस पर क्या एक्शन लेते हो, यानी आपके अंदर वो ऑफिसर वाली क्वालिटी होना चाहिए। 50 लोगों को कैसे मैनेज करोगे, ये हर दिन की तैयारी होती है, और उसके लिए मेंटली अपने आप को तैयार करना होता है जो इसने बताया। तो आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है नहीं कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट ये कि आप एक्चुअल में ऑनेस्ट होके बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ को जीने की आदत डालो, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो तो। अगर आप 5 बजे उठते हो तो हर दिन 5 बजे उठना है, 5:01 पे भी नहीं। 10 बजे खाना खाते हो तो 10 बजे खाना, 8 घंटे रोज पढ़ते हो तो 8 घंटे पढ़ना है। वो जब आपकी लाइफ स्टाइल में आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको 5 दिन में आपको वो सक्सेस मिल जाएगी जो आप सोच नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। पहले तो बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। आप अपने प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, कमांड टास्क और GTO के बारे में कुछ बताइए, वहाँ पे आपने कैसे परफॉर्म किया था? सब GTO के टास्क में जो ग्रुप टास्क होते थे उसमें मेरे ग्रुप में मैं सबसे छोटा था हाइट में और सबसे हल्का था, तो फिर कोई भी टास्क होता था तो पूरा ग्रुप मुझे ही बोलता था कि तुम ये टास्क करो, क्योंकि मैं हल्का था तो उससे मैं टास्क इजीली कर पाता था और मैं आइडियाज भी अच्छे दे रहा था, तो फिर उसमें मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। GTO के टास्क में आपको हेल्पिंग मटेरियल देते हैं, प्लैंक, बल्ली और रोप, और उसका यूज करके आपको अपने ऑब्स्टिकल को क्लियर करना होता है। तो मेरा कमांड टास्क थोड़ा हार्ड था, मैंने 2-3 आइडिया लगाए, सर ने उस डिफ़िकल्टी बढ़ाई और सर ने बोला, मैं रोप यूज़ कर रहा था तो सर ने बोला रोप नहीं है, मैंने एक जगह पे प्लैंक रखा तो सर ने बोला कि वो रेड हो गया,
और बाद में सर मैं जब कंफ्यूज हो गया, मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा था, तब सर ने बोला कि तुम थोड़ा पीछे जाके अच्छे से स्ट्रक्चर को देखो। तो मैंने स्ट्रक्चर को देखा ध्यान से, तो मुझे एक और आइडिया आ गया और मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया और वो ऑब्स्टिकल क्लियर हो गया। आपको बहुत बहुत बधाई राज, आपका नेवल एकेडमी में सिलेक्शन हुआ। मेरा क्वेश्चन है कि आपने सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया था बट आप पीएबीटी में आउट हो गए, और मुझे जानने की पीएबीटी में आउट होने का रीज़न क्या है और कुछ और बातें पता चलेंगी। पीएबीटी अब कुछ एडवांस फॉर्म में चला गया है, तो वो चेंजेस क्या क्या है? पीएबीटी का अभी जो एडवांस वर्जन है वो डीआरडीओ ने के साइंटिस्ट ने निकाला है, सीपीएसएस कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम। तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक रिटन एग्जाम और दूसरी प्रैक्टिकल एग्जाम। रिटन एग्जाम में आपको कंप्यूटर पे स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखाते हैं और ए बी सी डी ई ऑप्शंस होते हैं, वो आपको राइट ऑप्शन को वो बटन दबाना होता है। और क्वेश्चंस सिंपल मींस ओआईआर टेस्ट में जैसे क्वेश्चंस होते हैं वैसे होते हैं, मैथ्स के बेस पे क्वेश्चन होते हैं। और आपको वो स्टार्टिंग में एक वीडियो दिखा के ब्रीफिंग करवाते हैं कि प्लेन में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे प्लेन की हाइट क्या है, प्लेन का स्पीड क्या है, कौन से डायरेक्शन में प्लेन टिल्टेड है, कौन सी डायरेक्शन प्लेन फेस कर रहा है, वैसे 6 अलग अलग डायल्स की ब्रीफिंग करवाते हैं और उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा टेस्ट होता है प्रैक्टिकल टेस्ट, उसमें आपको सिम्युलेटर पे बिठाते हैं और आपको 9 डिफरेंट टाइप्स की गेम्स खिलाते हैं उस पर। जो पहले पीएबीटी था और अब नया वर्जन आया, उसमें कुछ बेसिक डिफरेंस की चीज़ें बताइए। पहले जो पीएबीटी था वो थोड़ा इजी था और अभी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा हार्ड है। मेरे फ्रेंड्स से मैंने सुना था कि एक बैच 11 लोग में से 9 लोग ने पीएबीटी क्लियर किया और उसके बाद वही बैच को टेस्ट रन के लिए सीपीएसएस में भेजा, तो 11 में से सिर्फ 2 ही लोग सीपीएसएस क्लियर कर पाए। फ्रेंड्स राज, माय क्वेश्चन इज दैट हाउ वी हैव टू अप्रोच डब्ल्यूएटी एंड टीएटी एंड इन द साइकोलॉजी हाउ वी हैव टू अप्रोच, आवर अप्रोच मस्ट बी इन दे से दैट लो लेवल आइडियाज एंड हाई लेवल आइडियाज ऑफ टैट एंड वैट। Can you explain that? For TAT, in my coaching, sir has taught me to apply to write a story like the what is going on the picture must the part in which you describe what is going on the picture is big and its past and future must be small, and the story must have some kind of concept and the idea of the story must be good. I preferred the Better India app for TAT. The stories in the Better India app are very good. The ideas in that app are good. So I relate the ideas from that app to the image I was shown in TAT and I wrote a related story to it. And for WAT, you have to be quick because there are 60 words and only 10 to 15 seconds are given for each word. So you have to practice a lot for WAT, by which your speed can be increased and your quality of the sentence will also increase. Congrats. Everyone says that I have been doing this exam for this person and for me they say so. And what do you think about it and to whom you for whom you have done this exam and why? From my childhood I was a very active person. I don't like to sit alone, means without doing anything. I get very bored very soon. So I have decided that I needed a job which must be very active and there must be adventure. So I was looking for a job and I saw the documentary of NDA in TV on National Geographic channel. From that time
I decided that I want to join NDA, and then I start, as in my family, nobody knows about the exam and how to clear it. I started browsing it on the internet, and then I found about different tests which happens, and how I search how to prepare. So I came across Sharad sir, and I came to Bhopal. Then I also saw the how to prepare for SSB. Then I went to Nagpur, and I also prepared there. And since I have decided to join NDA, I started my physical training, as I was going to the academy, and I know I needed to be physically fit. First of all, congratulations. My question is, how to manage a group member in command task? Command task, you are the commander. You have to give orders to your helpers. So you just have to tell them what to do, and don't just stand there and order them. You have to also help them and participate in the action. It is a plus point. Well, many congratulations. And I want to ask you about your hobbies and what are the related questions asked to you by IO in for hobbies. And as far as the conference is concerned, how do you prepare yourself the day earlier, the night, the next day your conference was there? And how do you prepare yourself, and what were the questions asked to you in conference? Hobbies and interest, which I wrote on the PIQ form, were playing football, dancing, singing, playing tabla, guitar, and reading books, and swimming and jogging. So those were legitimate hobbies and interests which I do regularly, and I didn't fake anything on it. And some questions were asked about it, as about reading books. I was asked who was my favorite author and why. So I gave my point of view on that answer. And for football, sir asked me who is the main player of the team in football. So I told him that none of the player is main in the football team. The whole team is important. Each and every player is equally important, as it is a team game, and everybody has to participate and give their 100%. Then only the team will win. And in my conference, the day before my conference, I was calm, and I didn't take much pressure on myself, and I didn't thought much about it. जैसे आपको पता है आप एकेडमी में आपका शेड्यूल कैसा होगा, तो आप ट्राई करो कि एकेडमी का जो शेड्यूल है वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, तो जिससे आपको आइडिया आएगा कि आपको कैसा वहाँ पे सिनेरियो मिलेगा, और आप पैरेलली ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डेवलप करोगे उसमें, क्योंकि एकेडमी वही जगह है जहाँ पे आपको ऑफिसर बनाते हैं. तो आपको फिटनेस कंटिन्यू करनी चाहिए, और बुक्स रीड करनी चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसी टाइप की क्वालिटीज होनी चाहिए, और कोई स्पोर्ट्स हो, कोई टीम स्पोर्ट्स हो, वो आपको खेलना चाहिए, क्योंकि वो उसका प्लस पॉइंट होगा. राज फर्स्ट Raj, first of all, congratulations for your recommendation. My question is that while you are giving your lecturate, what points you have added in your lecturate also in GD while you are doing group discussion? What points you have given means like from which portion, like some help? In my lecturate, I choose the topic mercy killing. While I was giving my lecturette,
after about 1 minute 30 seconds, the GTO sir asked me to stop, and he asked me that if your lecture topic would be education qualification for politicians, what would you say? So I stumbled a bit, and then I gave my point of view on the topic as I was given the topic on the spot, and I was not able to prepare it well, but I managed it, stayed calm, and gave my point of view. And in the GD, I gave some points from facts and figures. I supported my point, and I also countered some points of other group members by some facts which they were wrong, and I also let other person to speak. I didn't dominated the group, but I also participated by giving 3 to 4 point in the GD. If we were start our lecture, it like how to start and what points, like something tell. First, give the introduction of the topic about what you are going to speak, and organize the lecturette in a way. Don't give the points here and there. Give the point in a well-formed manner, so everybody can understand, and it is also good officer-like quality. जैसे कि जब आप तैयारी करने आए थे तो आपके पास वक्त कम था, तो आप कैसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए कि हाँ मैं कर लूँगा? मैं जब कोचिंग के लिए आया भोपाल, तब एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 2.5 मंथ्स बाकी रह गए थे, तो मुझे पता था कि टाइम कम है, तो मैंने सिर्फ मेरे स्ट्रेंथ वाले टॉपिक पे फोकस किया और उसको स्ट्रॉन्ग किया, और मैंने कॉन्फिडेंस बना के रखा. मेरे सर, हमारे सर हमको मोटिवेशन देते रहते थे, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाता था, और हमने साथ में मिलके पढ़ाई की, और जो रेगुलर टेस्ट होते थे संडे, उससे हमको पता चलता था कि हमारा प्रोग्रेस क्या है और हमको किस में इम्प्रूव करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट यू. अभी जैसे हमारे 30-35-40 दिन बचे हुए एग्जाम को, तो हम कैसे इस टाइम में कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे रिवीजन करें सब, और जो बाकी हुआ, बाकी छूटा हुआ है, उसको कैसे प्रिपेयर करें? अभी टाइम इतना कम है कि अगर कोई नया टॉपिक करने जाओगे तो वो अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर जो जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर आप फोकस करो, और जो ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स है उस पर भी फोकस करो, और फिर भी जो आपके वीक टॉपिक्स है उसको एक बार पढ़ लो ऊपर ऊपर से, उसके जस्ट कॉन्सेप्ट्स एक बार पता कर लो, तो अगर कोई बहुत इजी क्वेश्चन आए तो वो आप मिस ना करो, और जो आपके स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स है उसके तो हर क्वेश्चन आपसे होने ही चाहिए. First of all, congratulations. As you have told that in your personal interview, you have asked for your personal questions and current affairs. Then what type of current affairs are asked in your personal interview? Current affair questions were asked about national and international
news. So he, the interviewing officer asked me, what international news do you know? So I told him the Venezuela crisis. So he asked 2 to 3 questions based on that topic only. He didn't ask topic out of that. And for national news, he asked, I told him about the Sabarimala case. So he asked that in which state it was and what which Lord's temple was that and what is the problem in the Sabarimala temple and what is my point of view. And if you don't know the answer, just say don't know, don't guess. It will be a negative point on that. First of all, congratulations to you, Raj. My question is that what you have done just 10 days before the examinations? Means what was your studies that day? Ten days before the examination, I was calm and I revised the whole syllabus. But before 2 to 3 days of the exam, I stopped studying. I means not take the book much. I just glance upon the books, just turn the page pages, and just stayed calm. So. I also would recommend you to not take pressure on yourself. Before the exam, 2 to 3 days, just stay calm and don't think much about it. Because the exam, you have prepared it for the last 5 to 6 months. So the result will be based on that only, not the last 2-3 days. As while we are doing our preparations for UPSC, we just most of us think just to pass the cutoff. And I want to ask you that if we passed our UPSC but just a mere cutoff, is it necessary for us to get good marks in, and how it helps in later? In the final merit list of NDA, the result will be based on your written and SSB marks both. So written is of 900 marks and SSB also is of 900 marks. So total out of 1800 marks, your merit list will be based on. So if you are opting for higher for like Air Force, many people opt for Air Force. So you have to come up on the merit list to go in the Air Force. So your marks must be good, your written marks and your SSB marks both will add up, and finally the final merit list will be based on it. जो बात इसने बोली, मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा ये बोलता हूं कि कट ऑफ की तरफ नहीं देखना, उसके दो लॉसेस होते हैं. आई नो कि अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया तो आप एसएसबी के लिए एलिजिबल हो, बट अगर आप डबल स्कोर करते हो, ट्रिपल, तो आपकी रैंक तो अच्छी आती है, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है. दूसरा, अगर आपको लगता है कि मैथ्स में 40 राइट करने पे कट ऑफ क्लियर होता है और आप 40 ही या 45 कर पाए तो आप बाउंड्री लाइन पे हो, पर आपने 80 कर दिए, आप सिक्योर हो कि आप सिलेक्ट हो गए. तो और यही हम कोशिश करते हैं. मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि आपको कट ऑफ नहीं देखना, उससे डबल देखना. जब आप 90% की प्रिपरेशन करोगे तो फर्स्ट डिवीजन की चिंता नहीं होगी, पर अगर आप फर्स्ट डिवीजन के लिए पढ़ोगे तो रिजल्ट में वेट करते रहोगे कहीं सेकंड ना आ जाए. तो अपने आप को आप हमेशा हायर साइड रखो. एनडीए का पेपर बहुत अच्छा आता है. और एक खास बात कि जो आपने क्वेश्चन पूछे, मतलब आपको सब पता है कि एसएसबी में क्या होता है और राज ने उसका जवाब भी दिया. अब
इम्पोर्टेंट क्या है, यानी एसएसबी में क्या होने वाला ये तो पता है, पर एसएसबी में जाने के लिए आपका रिटर्न क्लियर होना जरूरी है। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एसएसबी स्टेज टू है, एक बार अगर आपका रिटर्न निकल गया तो एसएसबी में आपको क्या आने वाला है सब पता है, आपको अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार करना है, बट जब तक रिटर्न क्लियर नहीं होगा एसएसबी नहीं दे सकते। तो सबसे खुशी की बात है कि आपको सब पता है एसएसबी में क्या होने वाला है, आपने बिल्कुल अप टू द मार्क क्वेश्चन पूछे, पर अब जरूरत है कि आप बचे हुए दिनों में बहुत अच्छे से मेहनत करके पहले रिटर्न में अच्छा स्कोर करो, और बिल्कुल इतना अच्छा स्कोर करो रिटर्न में कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, और फिर ऐसे ही एसएसबी भी निकालोगे आप। एसएसबी की चिंता आप अभी छोड़ दो, अभी सबसे पहले चिंता करो कि रिटर्न एग्जाम में अच्छा करना। दूसरा, आप में से कुछ लोग अभी अभी आए हो, अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं, जो बचा हुआ वो दो, टेस्ट पेपर जो हो रहे हैं उनके एनालिसिस करो, बहुत ही पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करो, अपने आप को बहुत डिसिप्लिन लाइफ में जीने की आदत डालो, सब कुछ पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सामने एक बच्चा खड़ा हुआ है, वो देख रहा है। एक और बात बता दूं कि इसके एसएसबी सिलेक्शन में कहीं ना कहीं इसका फुटबॉल गेम हमेशा सपोर्ट किया, और मैं आपको बोलूंगा, आप सबको बोलता हूं कि कहीं ना कहीं एक गेम, आप बैडमिंटन खेलो, आप स्विमिंग करो, कोई एक गेम खेलो, उससे आपकी कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी बनी रहती है, तो वो चीज इसके बहुत काम आई। ये बचपन से वही चीज थी, वही बात हुई कि क्या चीज थी हॉबी में सबसे अच्छी बात क्या थी कि एक ये प्लेयर था, प्लेयर्स के अंदर बहुत सारी क्वालिटी अपने आप डेवलप हो जाती, आईक्यू बहुत अच्छा होता प्लेयर्स का, तो वो चीज आपकी डेवलप होगी, केवल पढ़ते ही नहीं रह जाना है, अपने आप को हर तरह से मेंटली फिजिकली इमोशनली हर तरह से तैयार करना। कांग्रेट्स राज, जब राज पहली बार आए थे और इसी क्लास में क्लास चल रही थी तो मैंने पूछा था, राज नाम तो सुना ही होगा, आज सब सुन रहे हैं, है ना राज? चलिए, तो राज की फैमिली को, उनके पेरेंट्स को भी कांग्रेट्स, यहाँ की टीम ने अच्छा एफर्ट भी किया, हमने पूरी कोशिश की। तो राज की क्वालिटी आप लोगों के सामने, मतलब बहुत देर से मन में और शायद पहले भी डिस्कशन किया है, हर इंसान की अपनी क्वालिटी होती है, लेकिन जो राज को जितने कम टाइम में और तब से लेके अब तक ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एक जो बेस्ट चीज थी वो है पॉजिटिव होना। राज में कभी भी मुझे निराशा वाला शक्ल ही दिखाई नहीं दिया, पढ़ना पढ़ाना अलग चीज होती है, लेकिन जो भी आप सपना देख रहे हो उसके लिए, हर चीज के लिए बहुत ही पॉजिटिव। और दूसरी चीज, क्लास में हम पढ़ते हैं, साथ में मस्ती करते हैं, बहुत बार तो मेरे से तो कितनी डांट खाते हो आप लोग, है ना, पिछले बैच से भी ज्यादा खा रहे हो, लेकिन हम लोगों का तो ये ड्यूटी भी है डांटना और सब चीजों में मस्ती में भी रहना, पर राज हमेशा इतने शांत रहा करते थे ना, इनकी क्लास के साथ के लोगों से आप बात करना, जब भी टीजिंग वाली बात होती थी तो मैं ये भी कहती थी कि खुद ही आप लोग तारीफ करते थे इनके साथ में बैठे हुए लोग, कि कभी इरिटेट नहीं होता। तो मुझे लगता है कि फाइनली एसएसबी में शायद उन लोगों को ये क्वालिटी दिख गई कि बंदा अच्छी डिसीजन मेकिंग रखता है, कहाँ पे आप लोगों की एज में कॉमन चीज होती है बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, चीजों को दिल पे ले लेना, है ना, तो उन चीजों के साथ हैंडल कर जाओगे तभी तो लाइफ सर्वाइव कर पाओगे। अभी एग्जाम होने वाले हैं, 40 दिन है, इमोशनल मैनेजमेंट का काम है, पढ़ना है, पढ़ने के साथ इमोशन आपकी लाइफ है, ह्यूमन बीइंग हो, अच्छी ऊंची नीची चीजें भी होनी रहनी है, तो हर तरह से अपने आप को मैनेज करना, एक टीम वर्क करना, क्योंकि राज का उस समय भी मैंने देखा था, एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा हुआ था, 15 या 20 दिन थे, इनके साथ का एक बंदा जो एसएसबी में भी पहुंचा उसकी तबीयत खराब हुई थी, उस समय ये अपने रूम को छोड़ करके उनके साथ रह रहे थे, तब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि इतना लास्ट मोमेंट है, इंसान किताबों से हट नहीं सकता, हम लोग बिल्कुल खो जाते किताबों में, फिर भी ये उस बंदे के साथ शिफ्ट होकर के और दोनों एसएसबी के फाइनल तक पहुंच रहे हैं, तो ये जब रिजल्ट चल रहा था तब भी ये चीजें मैं अपने दिमाग में एनालिसिस कर रही थी। तो ये शायद फुटबॉल गेम है, टीम वर्क, आप लोगों की हॉबी जो कि नेचुरल थी हमेशा से, मतलब कि एग्जाम प्रिपरेशन, किताबी कीड़ा होना, हाँ जरूरी है हमारे लिए, लेकिन साथ में जो लाइफ में हम सीखते हैं वही चीजें कहीं ना कहीं फाइनली रिजल्ट में भी कन्वर्ट होती हैं। तो अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखो, एक अच्छी स्ट्रेटेजी 40 दिन के हिसाब से बनाइए, रिवीजन ज्यादा कीजिए, और जैसे कि राज नाम तो सुना ही होगा, अब हम सब सुन रहे हैं, तो एक दिन फिर से आप सबका नाम इसी स्टेज में अच्छे से सुना जाए और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करो। और राज का 1 आवर का इंटरव्यू चला था, 1 घंटे का, यानी हमारी फील्ड में जब हम यूपीएससी में सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो यदि 30-40 मिनट का इंटरव्यू चल जाए तो हम लोगों को लगता है क्या गजब के नंबर आएंगे, और यही एनालिसिस होती है। तो आप लोगों के फाइनल मार्कशीट में क्या नंबर है बाद में यदि पता चलेगा तो अच्छी बात है, लेकिन 1 घंटे तक सामने वाले को आखिर इतना डायनेमिक क्या प्रोफाइल दिख गया, है ना, कि उसने 1 घंटे तक इतना इंटरेस्ट लिया कि आपसे करंट अफेयर भी पूछ रहे हैं, शबरीमाला
नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल भी पूछ रहे हैं, आपसे फुटबॉल भी पूछा जा रहा है, आपसे ड्राइंग म्यूजिक डांसिंग भी पूछा जा रहा है, आपसे आपका सब्जेक्ट आपका बैकग्राउंड एवरीथिंग वो पूछ रहे हैं। मतलब कि कुछ ना कुछ उस बायोडाटा में एक अट्रैक्टिव चीज है अपनी तरफ खींच पाने की, ठीक है। और एक टीम वर्क, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमने सामने वाले को भी मौका दिया और अपने भी 4-5 पॉइंट मिले बोले, तो बात ये होती कि बोलने का मौका मिले इसका मतलब ये नहीं कि हम कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं, हमें खुद को मौका देना है, सामने वाले को भी देना है, और डिफेंस में यही तो चीज है, नेशन को ही तो सर्व करना है। तो राज कॉन्ग्रेट्स अगेन टू यू, ठीक है। आप लोगों को भी सिर्फ दो चीजें, पॉजिटिव रहना है, शांत रहना है। चलिए, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, फिर से ऑल द बेस्ट। और अभी तो ये आपकी स्टार्टिंग है, अब जीवन में और देश के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत नाम कमाना है, ऐसे आगे बढ़ो और बहुत बहुत तरक्की करो। थैंक यू सर।